कौन दिखाई गई है? राज माता, भारत माता। तो भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई दिखाई गई है, क्यों? ये प्रश्न करने के साथ साथ ये सोचें कि भारत माता कौन है और जगत माता कौन है। कौन है? छोटी माँ भारत माता और बड़ी माँ जगत माता। तो जो छोटी माँ भारत माता है वो एडवांस में है या बेसिक में है? सीढ़ी के चित्र में जो चित्र दिखाया है वो सारे ही चरित्र ब्राह्मणों की दुनिया के हैं या बाहर की दुनिया के? उस बच्ची को भी बोलने दो ना। हाँ, सीढ़ी के चित्र में जो भी चरित्र दिखाए गए हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया के चरित्र हैं या बाहर की दुनिया के चरित्र हैं? ब्राह्मणों की दुनिया के चरित्र हैं। उसमें रावण दिखाया गया है, जंजीरें फैलाए हुए। तो वो रावण बेसिक में है या एडवांस में है? अभी बेसिक में। फिर क्यों पूछ रहे? छोटी माँ बेसिक के कंट्रोल में है या एडवांस कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में है? तो राम के कंट्रोल में है या रावण के कंट्रोल में है? रावण के कंट्रोल में है। और एक माता मन के अंदर प्रश्न चला रही है कि चलो छोटी माँ तो रावण के कंट्रोल में है, फिर बड़ी माँ किसके कंट्रोल में है? अरे बड़ी माँ निर्बंधन है, जंजीरों से बाहर है, हथकड़ी बेड़ियों से बाहर है या बंधन में है? बाहर है, उसको बंधन नहीं है कोई, नहीं बंधन है, है? अरे उसको पता नहीं है, शायद पता है। अरे बड़ी माँ को बंधन है या नहीं है, पता है? अरे हाँ ना, कुछ बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्या अंतर पड़ता है? हाँ बोलो। हाँ उसको भी बंधन है, तो बड़ी माँ भी बंधन में है, छोटी माँ भी बंधन में है। छोटी माँ को बंधन है बेसिक ब्राह्मणों का, फिर बड़ी माँ को किसका बंधन है? दुनिया वालों का बंधन है, बेसिक वालों का बंधन है या एडवांस वालों का बंधन है? बेसिक वालों को, बड़ी माँ को भी बंधन है? कोई बात बोलना चाहती बोलती नहीं है? आसुरी बच्चों माने बेसिक में भी बच्चे हैं और एडवांस में भी बच्चे हैं। बेसिक में जो बच्चे हैं वो नाबालिग हैं और एडवांस में जो बच्चे हैं वो बालिग हैं। कौन से बच्चों के बंधन में है? हैं? बड़ी माँ भी बेसिक के बंधन में है। हाँ? ऐसे कैसे?
अभी तक कोई देखा कि दुनिया से निकला हुआ कोई भक्त आत्मा बी के बन गया हो और बी के ज्ञान को पक्का पक्का समझ लिया हो, सरेंडर हो गया हो, तन मन धन अपना अर्पण कर दिया हो बेसिक में, फिर उसके बाद कोई बेसिक को छोड़ करके दुनिया वालों के बंधन में गया? गया कोई? कोई नहीं गया। दुनिया वालों में इतनी ताकत ही नहीं। जो बेसिक ज्ञान एक बार सुन ले उनको अपने बंधन में बांध करके रख सके, तो बेसिक वाले ज्यादा पावरफुल हुए या दुनिया वाले ज्यादा पावरफुल हुए? बेसिक वाले ज्यादा पावरफुल हो गए। ऐसे ही बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में से निकल करके जो एडवांस में आ गए, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में आ गए, वो बालिक बुद्धि ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, उन बच्चों को दुनिया वाले तो छोड़ो, बेसिक वाले भी बांध नहीं सकते। बांध सकते हैं क्या? बांध ही नहीं सकते। अगर बांध के रखें भी तो रोज 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 मर्रे की बातें जो सुनने को मिलेंगी कानों से, उनके कान बहरे हो जाएंगे, वो फूटी आंख से उनको देखने की इच्छा नहीं रखेंगे। है? उनमें इतनी ताकत ही नहीं है। जो एडवांस में एक बार चला जाए, सरेंडर हो जाए, फिर उसको अपने अंदर समा के रख सके, इतनी कमजोर आत्माएं हैं। कौन? बेसिक वाले। और बेसिक के मुकाबले दुनिया वाले वो तो और ही कमजोर हैं। तो ये संभव है कि बड़ी माँ जगदम्बा जो जगत पिता के साथ रही हो वर्षों तक, जिसने जगत पिता के साथ लंबे समय तक मिलन मेला मनाया हो, संग का रंग लिया हो, और फिर वो इतनी कमजोर हो जाए कि बेसिक वाले उनके चक्कर में फंस जाए, बेसिक वाले उसको कंट्रोल कर ले, ऐसा हो सकता है? फिर कैसे कह दिया तुमने? हाँ, और तुम्हारे प्रश्न का समाधान हुआ क्या? क्या था तुम्हारे प्रश्न? एक बार आओ, रिवाइज करो। भारत माता को जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया जाता है, क्यों? जो चित्र बनाते हैं चित्रकार, चित्रकारों की बुद्धि में जो बुद्धि में बातें आती हैं, वो कहाँ की बातें आ रही है? कहाँ की यादगार है वो सब? वर्तमान संगम युग की यादगार है। संगम युग में भारत माता, खास भारतवासियों की माता, जो भारतवासी सतयुग में भी भारतवासी हैं, त्रेता में भी भारतवासी हैं, द्वापर में भी भारतवासी हैं और कलयुग में भी भारतवासी हैं, ऐसे भारतवासियों की माता है वो माता भी बंधन में जकड़ी हुई है। किसके बंधन में बंधी हुई है? राम वाली आत्मा के, रावण के बंधन में बंधी हुई है। जो सीढ़ी के चित्र में चित्र दिखाया है कि रावण ने अपनी जंजीरें पूरे भारत में फैलाई हुई है, भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई है। हाँ? बाबा, अव्यक्त एक अव्यक्तवाणी ने लगन विदेशियों की विशेषता बताई कि एक तो वो कॉन्फ्रेंस करना पसंद करते हैं और दूसरा उन्हें डबल ब्रेड खानी पसंद है। बाबा, इसका बेहद में क्या अर्थ है? मतलब ये है, बाबा ने तो कहा सिर्फ डबल ब्रेड ही खाना पसंद करते हैं, इसका मतलब ये हुआ
एक तो होता है पीना और एक होता है चबा चबा के खाना। पीना होता है वह ज्ञान, पीना क्या है ज्ञान, और खाना क्या है हाँ? हिंदी में कहते हैं उसे रोटी, क्या कहते हैं रो अट्टी हाँ, वो ऐसी है, वो कहते भी रोटी है लेकिन ऐसी है अगर पक्की भारतीय है रोटी, क्या विदेशी नहीं है। विदेशी तो बचपन में ही अपवित्र होना शुरू हो जाते हैं। अगर पक्की रोटी है भारतीय है पवित्र रोटी है तो जब खाया जाएगा तो पहले रोएगी, बाद में टी की तरह चुस्की मार मार के भले पिए, उसका नाम पड़ गया रोटी। और विदेशियों में नाम क्या दिया है डबल ब्रेड, हाँ डबल रोटी। माना एक रोटी नहीं है, एक जगह रोटी बनती है फिर दूसरी जगह रोटी बनती है, कम से कम दो शादियां जरूर करे तो डबल ब्रेड, फिर ज्यादा तो चाहे जितनी ट्रबल ब्रेड होटल ब्रेड वो कितनी भी हो। माने विदेशी जो होंगे तो कम से कम कितनी शादियां करें, दो, दो शादियां करें तो डबल रोटी। हाँ क्या प्रश्न था, डबल विदेशियों की विदेशता विशेषता बताई कि वो डबल रोटी पसंद करते हैं, क्या सिंगल रोटी पसंद नहीं करेंगे। जिंदगी उन्हें जीना है तो जिंदगी में कम से कम डबल रोटी उन्हें जरूर चाहिए। और कॉन्फ्रेंस पान में फुर अंश छोड़ दिया, क्या जैसे एडवांस में लोग आते हैं ज्ञान सुनते हैं और बेसिक में भी आते हैं ज्ञान सुनते हैं, लेकिन बेसिक में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, कॉन्फ्रेंस करें क्या नाम मेले करें मेला प्रोग्राम करें और ये क्या नाम प्रदर्शनी लगाएं, बड़े बड़े म्यूजियम खोलें, कितना मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करने के बाद फिर कहीं दो चार आत्में निकल आती हैं, ऐसे होता है ना। तो ऐसी आत्माओं को भी एडवांस वाले आराम से उठा ले जाते हैं, मेहनत कुछ भी नहीं करते, पैसा कुछ भी नहीं खर्च करते, न तन की भाग दौड़ न मन की भाग दौड़, ऐसे ही ढेर के ढेर वहां निकलते चले जा रहे हैं। तो बेसिक वाले कुछ सोचेंगे कि नहीं, क्या आपका समाधान हो गया, क्या हो गया हाँ, वो जब देखते हैं कि ढेर निकल रहे हैं और हमारे रोकने पर भी रुकते नहीं है, तो कुछ तो कुछ ना कुछ तो ग्लानी का इंजेक्शन लगाना पड़े ना। तो इसलिए एक एक को बुलाएंगे, सबके सामने तो ग्लानी की बात सुना नहीं सकते, तो एक एक को बुलाएंगे और उसके कान में मंत्र फूकेंगे ग्लानी का, अरे वो अच्छा अच्छा करता है, अरे कहां मरी है जाकर के, तुम्हारी बहू बेटी अच्छी से सत्यानाश कर देगा। बस कान में फुर्र किया और ग्लानी का अंश छोड़ा और बहु आत्मा नमस्कार कर लो कि भैया दूसरों को सुनाओ हमको नहीं सुनाना। वो कॉन्फ्रेंस किए बगैर रह नहीं सकते, उनके पास कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई दूसरा तरीका साधन ही नहीं है। बाबा सूर्यमुखी में पॉइंट आता है कि ये दो ही भाग यदि आदित्य जनता के ना आया इसका क्या है,
शिव बाबा धोबी है कि नहीं? आप जो बीच में बोल देते हैं, हाँ शिव बाबा धोबी है, धोबी है ना, उसका गधा भी कोई होगा। शिव बाबा धोबी है तो उसका कोई गधा होगा कि नहीं होगा? कौन है? अरे बेचारी को बोलने दो ना, है शिव बाबा धोबी है तो उसका गधा कौन है? ब्रह्मा बाबा गधा है, वो तो पूछो अच्छी तरह से ब्रह्मा कुमारियां देखें। अच्छा ब्रह्मा बाबा गधा है तो गधे की पीठ पर 100, 200, 400 कपड़े लादे गए होंगे। धोबी क्या करता है, गधे को किस यूज में लेता है? 100, 200, 400 कपड़े उसकी पीठ पर लाद देता है, और लाद के कहाँ ले जाता है? धोबी घाट। यज्ञ के आज से ये धोबी घाट चलता चला आया है। क्या वो धोबी यज्ञ के आज से ही उन कपड़ों को धो रहा है? और कपड़ा किसे कहा जाता है? कितने कपड़े थे यज्ञ के आदि में, ज्यादा से ज्यादा है 300-400 कपड़े थे। वो 300-400 कपड़े गधे की पीठ पे लाद करके और अब तक 68 तक कहां तक पहुंचाए, कहां तक पहुंचाए है? ऐसे धोबी घाट तक पहुंचाए जिस धोबी घाट में प्रसिद्ध है गंगा में सबसे ज्यादा कपड़े धोए जाते हैं। और जो पुरानी गंगा है, क्या उसे कहते हैं बूढ़ी गंगा, गंगा जहां बहती रहती है लंबे समय तक बहने के बाद गहरे गहरे कुंडे बना देती है, गहरे गहरे कुंड, और फिर बाद में छोड़ करके दूसरी जगह 2-5 किलोमीटर दूर चली जाती है। तो कंपिल में ऐसे ही है, बूढ़ी गंगा भी है जहां गड्ढे बने हुए हैं उनमें पानी भर जाता है जब गंगा बाढ़ पे आती है तब, और बाकी 2-4 किलोमीटर दूर जाके बहती है। तो जिन गड्ढों में पानी भर जाता है वहां धोबी ले जाकर के अपना घाट बाघाट बना देते हैं। फर्रुखाबाद में जो धोबी है, धोबी उन धोबियों में एक धोबी है जो द्रौपदी कुंड के किनारे उसकी मठिया बनी हुई, उसका नाम है कपिल मुनि। क्या नाम दिया है? कपिल मुनि, जिनके नाम पर कंपिल नगरी बसाई गई। क्या? कंपिल नगरी। धोबी ज्यादातर अपना धंधा कहाँ करता है? घाट पर ही करता है, घाट के किनारे उनकी मठिया बनी, मंदिर बना हुआ था, अभी तो वो मंदिर भी टूट गया। क्या काम पूरा हो गया होगा तो मंदिर टूट गया? जब काम चल रहा था तेजी से कंपिल में तो मंदिर भी बना हुआ खड़ा था। तो वो 300-400 कपड़े जो हैं पहले भी धोए गए और अभी भी धोए जाने का काम चल रहा है, और धोने वाला कौन है? शिव बाबा तो है, उसका दूसरा नाम क्या पड़ा? कपिल मुनि। 68 में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो वो काम किसी को सौंपा होगा कि नहीं सौंपा होगा? किसको सौंपा है? कपिल मुनि को सौंपा गया, और कपिल मुनि ने अपना घाट मजबूत बना दिया। हाँ, ढेर के ढेर कपड़े वहां से निकले, कहां से, जहां 300-400 का जखीरा था, और वो कपड़े तैयार हो गए। 300-400 ही बनेंगे, संख्या बढ़ेगी उनकी, संख्या तो जरूर बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? तो संख्या कितनी बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते कितनी संख्या हो जाएगी? 4.5 लाख कपड़े धुलने हैं। धोबी जब कपड़े धोते हैं
तो भट्टी चढ़ाते हैं क्या? हाँ, भट्टी में डालने से पहले कपड़ों को खूब अच्छी तरह खेत में से गंदी मिट्टी लाते हैं, बेअभिमानी की मिट्टी, और उसमें खूब अच्छी तरह उनको लिथेड़ते हैं, और लिथेड़ने के बाद फिर भट्टी में चढ़ा देते हैं। भट्टी में से निकालने के बाद फिर गधे के ऊपर लाद करके कहाँ ले जाते हैं? घाट पर ले जाते हैं, वहाँ धोबी फिर धोता है, और वहाँ खास करके वहाँ के धोबी धोते जाते हैं और मंत्र जपते जाते हैं। क्या? अगर मंत्र न जपे हैं तो फिर वो कपड़े धुलेंगे नहीं। उनका मंत्र है छी हो राम, छी हो राम, वो कपड़े धोने का काम अभी भी जाकर के वहां देख सकते, वो यादगार है इस समय की। कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े धुल जाएंगे फिर काम खत्म हो जाएगा। तो 300-400 जो कपड़े थे आज में, वो अंत में कितने हो जाएंगे? 4.5 लाख। माउंट आबू तक वापस जब पहुंचेंगे धुल करके तो कितने होंगे टोटल? 4.5 लाख कपड़े होंगे, सारे ही धुले हुए वस्त्र होंगे। ऐसे धुले हुए होंगे कि उनकी बुद्धि रूपी जो आत्मा है, स्टार आत्मा, वो वहां एकाग्र होकर के टिकेगी और इतनी बैठे बैठे सर्विस करेगी वाइब्रेशन के आधार पर कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं उनकी बुद्धि खींच करके कहां पहुंचेगी? दुनिया का जो बड़े से बड़ा तीर्थ साबित होगा माउंट आबू में, सारी दुनिया की बुद्धि धरी हुई होगी। तो प्रश्न क्या था दोबारा? तो चली आई नहीं चली आई है? हाँ, तो पूछ रही है, है? नहीं मालूम है तो पूछना पड़ता है, जिनको मालूम है उनको तो पूछने की दरकार है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है? राम रावण कब बनता है? राम असली राम कब बनता है? उसके राम बनने का टाइम होगा कि नहीं होगा? कौन सा टाइम होता है जब राम बनता है शुरू में? कब? एकदम जब नई दुनिया तैयार होती है, पहली पारिवारिक इकाई तैयार होती है, उस पहली पारिवारिक इकाई में कंट्रोलर कौन होगा? राम होगा। पहला नंबर ब्राह्मण, सो पहला नंबर देवता। तो सृष्टि के एकदम आदि में, नई सृष्टि के आदि में राम राम है, तो रावण कब बनेगा? सीधी सी बात, एकदम आदि में राम है तो रावण कब बनेगा? एकदम अंत में रावण बनेगा। जब 7 दिन का विनाश होगा, मूसलाधार बरसात होगी, क्या बरसात होने से पहले धार 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 एटम बम फटेंगे, बड़े बड़े भूडोल आएंगे, भूकंप आएंगे, और सारी पृथ्वी डोलायमान होगी। डोलायमान होने के साथ साथ बड़े बड़े ज्वालामुखी फूटेंगे। जब भूकंप आते हैं तो ज्वालामुखी फूटते ही नहीं, तो चारों तरफ आग ही आग उगल रही होगी पृथ्वी, और समंदर का पानी खौलेगा, माना बॉइल होने लगेगा। तो भाप ढेर की ढेर ऊपर आसमान में उड़ेगी, लंबे समय तक बरसात होगी, और वो ज्वालामुखी सब क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। उस समय पावरफुल आत्माएं बचेंगी, लुंजुन तुंजुन सब बची रहेंगी। क्या
जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो ही बचेंगी। तो जो दुनिया में जितनी भी आसुरी आत्माएं हैं, उन आसुरी आत्माओं से टक्कर लेने वाला कौन होगा? क्योंकि जो आत्मा जितने अंत में इस शक्ति पर उतरेगी उतनी ज्यादा बड़ी असुर होगी। क्या? जो जितने आदि में उतरेगी उतनी ही देवत्वमयी देवात्मा होगी, दिव्य आत्मा, और जितने अंत में उतरेगी उतनी आसुरी आत्मा। तो अंत में जो आसुरी आत्माओं का जखीरा उतरेगा लास्ट पूर्व, उनको कंट्रोल कौन करेगा? जो आज में उतरे होंगे वो ही कंट्रोल कर पाएंगे, दूसरे कोई कंट्रोल करने की ताकत होगी नहीं। तो राम ही रावण बने ना। हाँ दादा, झांसी की रानी जन्म में कहा है? झांसी की रानी जन्म में कहा है? झांसी की रानी इस जन्म में कहा है? झांसी की रानी ने किससे टक्कर ली? अंग्रेजों से टक्कर ली। और कौन से युग में और कौन से युग के कौन से हिस्से में टक्कर ली? कौन से युग में टक्कर ली? अरे हिस्ट्री नहीं मालूम? कलयुग में और कलयुग के भी अंतिम चरण में, जब कलयुग के 100-200 साल बचते हैं, उस अंतिम चरण में झांसी की रानी ने अंग्रेजों से टक्कर ली। और वो टक्कर लेने वाली आत्मा, उसने राजाई की या नहीं की? है? और उसने राजाई की या नहीं की? नहीं की है? राजाई भी की। तो जब राजाई की तो राजाओं की लिस्ट में होगी या नहीं होगी? राजाओं की लिस्ट में आने वाले बाप के ज्ञानी तु आत्मा बच्चे होंगे या अज्ञानी तु आत्मा बच्चे होंगे? आखिरी जन्म में भी उन ज्ञानी तु आत्मा बच्चों के बीच में बड़ी पावरफुल आत्मा है जो अंग्रेजों से भी चक्कर ले लेती है। कौन सी माला का मड़का होगी? है? रुद्र माला का मड़का होगी। विजय माला का मड़का तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, और भक्त माला का मड़का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नहीं समझ में आया? कौन? बड़ी मम्मी। अच्छा, तो कोई दूसरी आत्मा हो तो है? देखो, झांसी की रानी ने राज्य कहाँ किया था? अपने अंतिम जन्म के चरण में, अंतिम जन्म में, अंतिम जन्मों में से जो लास्टपुर के जो जन्म है उसमें कहाँ जन्म लेकर के राज्य किया? झांसी में। और वो झांसी जो है वो कौन से स्टेट में आता है? यूपी में। यूपी का जो मैप है वो कौन से जानवरों जानवर की तरह था? पहले शेर की तरह था। क्या? शेर के जो चित्र होता है उस चित्र के तरह यूपी का चित्र था, अभी नहीं है। अभी क्या है? है? अभी वो चित्र है गेंडे की तरह। क्या? जैसे गेंडा होता है ना,
तो गेंडे की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि उसकी कितनी भी मार पड़ती रहे लेकिन वो टससे मस नहीं होता। दूसरी आत्माएं, दूसरे जो जानवर होते हैं वो विचलित हो जाते हैं क्योंकि चमड़ी पतली होती है और गेंडा विचलित नहीं होता। तो स्थूल मार की बात है या बातों की मार है? एक कलंकी धर का पार्ट है क्या? बातों की मार से ढेर के ढेर कलंक लगते हैं लेकिन उन कलंकों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसा ये पार्ट अभी गेंडे का है। पहले किस तरफ क्या पार्ट था? शेर का पार्ट था। उस शेर के पार्ट में पहले भी झांसी पांव थी क्या? और अभी भी झांसी क्या है? पांव ही है। पहले 200 साल पहले उस पांव में झांसी की रानी का राज्य था क्या? ये खासियत है। और अभी वो आत्मा कहां पहुंच गई है? अभी पांव में है या सर में है? सर माथे पर है, है? अरे सर माथे पर है। वैसे भी चंद्रमा को कहां दिखाते हैं? मस्तक पर दिखाते हैं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल जो गोरे में गोरा पार्ट बजाने वाली यादगार बनी हुई है, श्याम फिर सुंदर, तो वो अंत में जो श्याम पार्ट बजाती है वो प्रैक्टिकल साकार शरीर होता है या आकारी होता है? है प्रैक्टिकल साकार शरीर उसी का गायन होता है। कौन सा शरीर है? प्रैक्टिकल साकार शरीर वो कौन सा है जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल वो पार्ट बजाती है? महाकाली, महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाते हैं। वो तामसी स्टेज की यादगार है। उस महाकाली को शंकर जी अपनी छाती पर पहन कर लेते हैं। कहां सहन करते हैं? हाँ, क्योंकि चंद्रमा सिर मोर है। जब चंद्रमा सिर मोर है तो चंद्रमा जिसमें प्रवेश करेगा वो भी सिर मोर है। तो शेर का सिर मोर कौन सा हुआ? कौन सा अंचल दिया है उसका नाम? उत्तरांचल। उत्तरांचल की राजधानी क्या है? देह रहा दून। क्या? दून माने दुगना, रहा माने रहा, देह माने देह अभिमान, जिसको दुगुना देह अभिमान है। शेर में एक गुना होगा और देहरादून में दो गुना देह अभिमान। तो अंत तक लड़ाई जारी रहेगी ब्राह्मणों की दुनिया में या खत्म हो जाएगी? है, अंत तक लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या किया था? हाँ, आज से 200 साल पहले जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध है, माताओं के बीच में जो बहुत
जैन योग्य पार्ट है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुलंद राज्य था, वहां के रहने वालों का नाम है बुंदेले, बुंदेलखंड। वही आत्मा फिर अंत में ब्राह्मणों की दुनिया में असुरों का संहार करने के लिए, वो असुर क्रिश्चियन धर्म के होंगे, इस्लाम धर्म के होंगे कि दूसरे धर्म से होंगे, है कौन से धर्म की आत्माएं होंगी, क्रिश्चियन धर्म की हो इस्लाम धर्म की हो, उन आत्माओं से टक्कर लेगी और आखिरी दुनिया का विनाश करेगी ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर। बाबा, इस उसका नाम जो है, ये बच्ची बता रही है बड़ी मम्मी, अब विचार करना है कौन हो सकता है। हाँ, बड़ी माँ कन्फर्म कर रही है, बड़ी माँ ही हो सकती है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। औरों को विचार करने का मौका नहीं देंगे। गंगाधर राव, गंगाधर, जिसने गंगा को धारण कर लिया, जिसने गंगा को धारण कर लिया, उसका नाम हुआ गंगाधर राव माने राजा। कैसा राव, कैसा राजा, जिसने गंगा को धारण कर लिया। यूपी में कहते हैं धरौना, क्या किसी की पहली पत्नी हो और फिर दूसरी पत्नी को भी बैठा ले तो उसको कहते हैं धरौना कर लिया, मैंने गंगा को धारण कर लिया। तो झांसी की रानी का पति कौन हुआ, गंगाधर राव। गंगाधर किसका नाम है भक्ति मार्ग में, है शंकर का नाम है। उसने एक शादी की थी, दो चार शादियां की थी, है अच्छा, दो चार की थी तो डबल ब्रेड खाने वाला हुआ या सिंगल ब्रेड खाने वाला हुआ, है डबल ब्रेड खाने वाला हुआ, तो विदेशी हुआ या स्वदेशी हुआ, विदेशी हुआ। तो बाप इस समय क्या बन के आए हैं, बाप इस समय विदेशी बन के आए। सिखों में पांच प्यारों के समूह को खालसा बोलते हैं। पांच जो प्यारे होते हैं उनको खालसा बोला। हाँ, और वो जो पांच प्यारे थे उनको बाबा ने पांच पांडव बताया। तो प्यारे नहीं थे पांच पांडव, लेकिन भगवान के प्यारे नहीं थे, प्यारे ही थे। हाँ, पांच प्यारे थे वो गुरु गोविंद सिंह के लिए, मतलब उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। हाँ, ऐसे ही बाबा ने बताया है कि जो रामवाली आत्मा है ये पांच पांडव उनकी पांच उंगलियां हैं। ठीक है, तो बाबा गुरु गोविंद सिंह का पांच रामवाली आत्मा का है, ये कोई बात नहीं होती। जैनियों ने हिंदू धर्म को नकल किया, तो जैनियों में जो भी पार्टधारी अच्छे अच्छे होंगे वो रामवाली आत्मा ही होंगे क्या। अरे एक आद का नाम हो सकता है, जैसे उन्होंने महावीर बता दिया। जैनियों में कितने तीर्थंकर, 24। 24 तीर्थंकर में आदि और सोअंत, आदि है आदिदेव, वृषभदेव आदिनाथ कहते हैं, और अंत है महावीर। तो वो तो हो सकता है,
अब कहे कि सारा ही उन्हीं का पार्ट है, सो थोड़ी हो सकता। ऐसे ही हिंदुओं ने से हिंदुओं में से जैनियों ने भी नकल किया है। हिंदुओं में कितने अवतार? 24 अवतार। तो जैनियों ने कितने अवतार दिखा दिए? 24 अवतार दिखा दिए। हिंदुओं ने शक्ति का जो पूरा काल चक्र है वो चार भागों में बांट दिया, शक्ति को त्रेता द्वापर कलयुग। जैनियों ने सोचा हम भी अगर चार भागों में बांटेंगे तो कोई कहेगा नकल कर लिए, तो छह भागों में बांट दिया। क्या जैनियों ने पूरे काल चक्र को छह भागों में बांट दिया, तीन भागों को स्वर्ग साबित कर दिया, जैसे हिंदुओं ने दो युगों को स्वर्ग समान और दो युगों को नरक समान, ऐसे ही जैनियों ने तीन आरों को स्वर्ग साबित कर दिया और बाकी तीन आरे नरक जैसे बना दिए। तो सिखों ने भी ऐसे ही फॉलो किया है हिंदू धर्म को। हिंदुओं में 10 अवतार मुख्य माने गए हैं। क्या भगवान की कितने अवतार? 10 अवतार। तो सिखों में भी कितने सदगुरु माने गए? 10 गुरु माने गए। 10 गुरुओं में किसका नाम बताया? गुरु गोविंद सिंह ने विशेष पाठ बजाया। उन्होंने 5 प्यारों का चयन किया। तो चयन करने से ये थोड़ा ही साबित हो जाता है कि वो राम वाली ही आत्मा हो सकती है, हाँ? राम वाली आत्मा का जो पार्ट है वो धर्म स्थापन करने का नहीं है। राम वाली आत्मा का पार्ट क्या है और धर्मों में? धर्म स्थापन करने का पार्ट नहीं है बल्कि राज्य स्थापन करने का पार्ट है। तो सिखों में राजाई कौन से गुरु के द्वारा बाद शुरू हुई है? अरे सिखों में राजाई चली कि नहीं चली? राजा हुआ कि नहीं कोई? सिखों के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? उस जब राजाई उनकी शुरू हुई उस समय या उससे पहले, ठीक पहले कौन से गुरु का गद्दी चल रही थी? है वो देखना है। एक एक बात टैली होनी चाहिए, बिना टैली हुए अगर हम बोलेंगे तो झूठा साबित हो जाएगा। और बाबा सीढ़ी के चित्र में कलयुगी शूटिंग में जहाँ भक्त देवी पूजा की ढुबजा ढुबजा कर रहे हैं वहीं जय गंगा मैया भी बोल रहे हैं। हाँ, गंगा मैया भी तो देवी है, जैसे और देवियां देवी हैं, नौ देवियां, वैसे गंगा भी देवी ही तो है। हाँ, और देवियां और धर्मों से कनेक्टेड हैं, उन्हें शास्त्रों में पटरानियों के रूप में दिखा दिया है। ऐसे ही गंगा भी पटरानी के रूप में कोई देवी है जो जिसकी मान्यता सन्यासियों में ज्यादा होती है। हाँ, मिट्टी खाते हैं, हाँ, की मिट्टी होती है और कौन सी होती है? हाँ, मिट्टी देह अभिमान की होती है, कोई और मिट्टी होती है? देह अभिमान की मिट्टी होती है। बचपन में खाता है या बड़े होके खाता है? हाँ, बचपना है, बचपना माने बुद्धि, बच्चा बुद्धि है, बुद्धि में बैठता नहीं है। क्या गीता का भगवान
तो सीधी सी बात बुद्धि में नहीं बैठती। इतनी बात पक्का है कि जो कृष्ण की आत्मा है वो अंतिम दिन में दादा लेखराज मैं हूं, इतना पक्का है। लेकिन फिर ये नहीं बुद्धि में बैठता कि वो दादा लेखराज जो है वो ही गीता का भगवान है या नहीं है, साकार भगवान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है। तो ये बात बुद्धि में नहीं बैठती। जब तक नहीं बैठती है तब तक बच्चा बुद्धि है या सगीर बुद्धि है? बच्चा बुद्धि। जब तक बच्चा बुद्धि है तब तक मिट्टी मिट्टी खाता हुआ दिखाया गया। हाँ दादा, द्वापर युग में तारीख में चलते चली आई, संगम युग में इसकी शूटिंग कैसे होगी? वो हिस्ट्री बनती चली आई द्वापर, तो ब्राह्मणों की दुनिया में उसकी शूटिंग कैसे? ब्राह्मणों की दुनिया में जो झूठा स्वर्ग स्थापन हुआ वो कब स्थापन हुआ? मॉडल तैयार हुआ अजमेर में वो कब हुआ है? अरे हुआ कि नहीं हुआ? और जो यज्ञ की स्थापना हुई हैदराबाद में ये क्या हुई? हाँ यज्ञ की स्थापना हैदराबाद से हुआ। यज्ञ किसे कहते हैं? पहले तो हमें ये परिभाषा पक्की करनी पड़ेगी कि यज्ञ क्या है, है? यज्ञ माना क्या? चार दीवाले, 10-20-25-100-50 आदमी इकट्ठे हो जाए, सत्संग शुरू हो जाए, वो या कुछ और है यज्ञ? अरे यज्ञ का नाम क्या है? तो कौन सा यज्ञ हुआ? दीवालों का यज्ञ? कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई? अहमदाबाद से ज्ञान की शुरुआत हुई। है ज्ञान का फाउंडेशन कहाँ पड़ा? अरे ज्ञान की प्रत्यक्षता हुई, ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ माने भगवान प्रत्यक्ष हुआ। तो ज्ञान कहाँ से प्रत्यक्ष हुआ? आवाज फैलाने वाला कौन सा शहर है? दिल्ली है स्थापनाकारी, बॉम्बे है विनाशकारी, आवाज फैलाने में कलकत्ता आगे जाएगा। तो ज्ञान की आवाज कहाँ से निकलती है? कलकत्ता से। पहले भी दादा लेखराज के जो साक्षात्कार थे वो तो भक्ति मार्ग हो गया कि ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग। तो उस ज्ञान मार्ग की शुरुआत कहाँ से हुई? ज्ञान का बीज कहाँ, बीजारोपण कहाँ हुआ? कलकत्ता। कलकत्ता में बीज पड़ा, कलकत्ता से भगवान के रथ को पकड़ा गया। और विंध्याचल पर्वत है और महाकाली पर्वत कौन था? विंध्याचल पर्वत। कहानी है ना जी, उससे इतना ऊंचा हो गया था उससे सारी सिटी में अंधेरा हो गया और महाकाली के पास से अंधेरा हो जाता। वहाँ नदी कौन सी बहती है? अरे विंध्याचल पर्वत है, पहाड़ है, तो पहाड़ से नदियां भी तो बहती हैं, है? तो नदी बहती ही नहीं, नर्मदा। नर भी है, मादा भी है, नर मादा है,
महाभारत में कोई नर भी है, मादा भी है, कोई ऐसा पार्ट है? है? सपनी शिखंडी, शिखंडी के लिए कहते हैं। तो लड़का भी पार्ट बजाता था और मादा का भी पार्ट बजाता था। यज्ञ के आदि में नहीं हुआ था। यज्ञ के आदि में जब सूर्यवंशी निकले तो सारे ही सूर्यवंशी खलास हो गए। यज्ञ के आदि में हुए कि नहीं हुए? हीरो समा नागासाकी ऊपर विस्फोट हुए और जैसे कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ब्राह्मणों की दुनिया में भी हुआ, हीरों की समा खलास। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने सूरज को हप कर लिया। शास्त्रों में कथा आई है कि नहीं? ये कथाएं हैं कहाँ की? ब्राह्मणों की दुनिया की। तो यज्ञ के आदि में कौन सा ऐसा टाइम हुआ था कि ज्ञान सूर्य उगता था, उगा था कलकत्ते से पूरब दिशा से और हनुमान ने क्या किया? सूर्य को हप कर लिया। कौन हुआ? हनुमान, ब्रह्मा बाबा। हप कर लिया था यज्ञ के आदमी भी नहीं तो हप कर लिया। आपके सवाल का जवाब हुआ है? अधूरा हुआ या पूरा पूरा हुआ? क्या सवाल है? हैं? देखो अंधेरा हो गया। हैं? हाँ जी, क्या सवाल था? विंध्याचल पर्वत पर एक कहानी है कि विंध्याचल पहाड़ जो है वो अहंकार में आ गया। सुमेरु पर्वत से हाँ झगड़ा हुआ। सु माने सुंदर और मेरु माने नहीं, मेरु माने मणका, माला का मणका होता है ना, उसको क्या कहते हैं? मेरु। तो सुंदर मेर तो सुमेर ही है, वो कौन है? अरे सुंदर मेरू सुमेरू कौन है? अरे कोई है कि नहीं माला में? अरे अरमली आत्मा सुमेरू। उससे झगड़ा हो गया। सुमेर ने कहा मैं ऊंचा और विंध्याचल ने कहा मैं ऊंचा। तो जो विंध्याचल है, विंध्य माने क्या? विंध्य शब्द है बींधना, फंसाए देना। बींधना माने फंसाए देना, फंस जाना। जो इतना अंधकार फैला दे दुनिया में कि सबकी बुद्धि फंस जाए। माँ काली का पाठ चलेगा तो अच्छे अच्छे ब्राह्मणों की बुद्धि फंसेगी या सुलझेगी? फंस जाएगी। अभी तो साधारण ब्रह्मा कुमारियों का पाठ चल रहा है ग्लानी करने का। क्या वो साधारण ग्लानी कर रही है तो कितना विनाश हो रहा है सच्चाई का। और जब उनकी अम्मा निकलेगी ब्रह्मा कुमारियों की, चंद्रवंशियों की, तो कितना भयंकर विनाश होगा। उसमें भी माया उससे हाथ मिलाई लेती है। किससे?
माया हाथ मिलाती है फिर तो और ज्यादा भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो विंध्या आटवी कही जाती है, आटवी माने जंगल, और वो पहाड़ भी है, और वहां से एक नदी बहती है जो नर्मदा नाम से प्रसिद्ध है, और नदियां पश्चिम से उत्तर पश्चिम से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है, और नर्मदा नदी पूर्व से निकलती है और पश्चिम में अस्त होती है। उसके अस्त होने की जगह कौन सी है? भारत। यह जगत जब पश्चिमी सभ्यता सारी दुनिया में फैल जाए उसे जगत कहा जाता है या भारत कहा जाता है? जगत। सीता कहां से निकलती है और कहां लोप हो जाती है? है पृथ्वी से निकलती है और पृथ्वी में, ऐसे नहीं कहते भारत से निकलती है और भारत में समा जाती है। कहां से निकलती है? पृथ्वी। पृथ्वी माने सारा जगत, पृथ्व्याति, तो बहुत फैल जाती है। तो भारतवर्ष तो पृथ्वी का रूप सिकुड़ गया और पृथ्वी नाम पड़ता है तो सारे ही देश सारे ही धर्मखंड उसमें समा जाते हैं। तो समा जाती है पश्चिमी सभ्यता में, वहीं से आदि होता है और वहीं से अंत होता है। तो बोला है अटवी है, जंगल भी है और पहाड़ भी है, और इतना अहंकार में आता है, इतना बड़ा बनता है जो बड़े होने की यादगार एक अवतार भी दिखाया गया है। वो कौन सा अवतार है जो बढ़ते 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 बहुत बढ़ गया? नहीं, ये स्त्री की बात हो रही है, मछली, मत्स्य अवतार। इतना बढ़ता 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 इतना बड़ा हो गया वो मछुआ कि सागर में ही समा सकता है और कहीं वो नहीं समाता। तो कौन सा पार्ट है? विंध्याचल। वो कौन हनुमान है जो सूर्य को अस्त कर देता है? हैं? ब्रह्मा बाबा। जरूर, अब तो नहीं है ब्रह्मा बाबा, किसके द्वारा प्रसिद्ध प्रख्यात होते हैं जो सारी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा? एक ब्रह्मा के द्वारा महाकाली के रूप में प्रख्यात होंगे। तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। ओम शांति।